नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम आपको मवा के औषधीय गुण बताएंगे। मवा भारत के कई राज्यों में पाया जाता है। इसकी उपज गुजरात में अधिक मात्रा में होती है। इसके पत्ते बादाम के पत्तों की तरह होते हैं। इसके पत्तों की पत्तल बनाई जाती है। मवा का फल, फूल और जड़ समेत सभी भागों में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इसका प्रयोग कई प्रकार की बीमारियों में भी किया जाता है। दोस्तों, तो आइए जानते इसके फायदे क्या है। दोस्तों, गठिया रोग में रामबाण साबित हुआ है मवा। दोस्तों, मवा के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 3 बार सेवन करने से गठिया में बहुत लाभ होता है। मवा के छाल को गर्म करके लेप करने से भी गठिया में आराम मिलता है। दोस्तों, मवा के फूल का काढ़ा बनाकर लगभग 20 मिली दिन में 2-3 बार लेने से बुखार ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके सेवन से शरीर को शक्ति भी मिलती है। मवा के छाल का काढ़ा बनाकर पीने से चेहरे के दाग धब्बे कम हो जाते हैं। इसके सेवन से खाज खुजली से पड़े जख्म भी ठीक हो जाते हैं। मवा के टहनी से दातुन करने पर दांत हिलना बंद हो जाता है। इससे दांत मजबूत होते हैं और मुसड़ों में खून आना बंद हो जाता है। मवा के फूल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार सेवन से खांसी में आराम मिलता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से सालों पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। छोटी पीपल, बच, काली मिर्च और मवा को सेंधा नमक और पानी के साथ लेने से मिर्गी, पागलपन और गैस के रोगों से आराम मिलता है। मवा के फूल को पीसकर छाछ के साथ लेने से बवासीर में आराम मिलता है। मवा के फूल को बकरी के दूध में उबालकर पीने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, ऐसी ही जरूरी जानकारी जानते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी जानकारी अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।